You know where these footballs are made? Where they are made? I would guess Sri Lanka, India, Pakistan. Yeah, where are they manufactured? Yeah. All the footballs manufactured. Yeah. Yeah. Indonesia. Where are Indonesia, answer your guess? I would say more so in India or China. And you are China. Okay, there was no prize on this, but it's Pakistan. फ़ुटबॉल के हवाले से गेम्स काफ़ी अरसे से मार्केट में मौजूद हैं। शुरू में यकीनन इलेक्ट्रॉनिक्स पर मबनी गेम्स नहीं थी होती, जैसे ये गेम है जिसमें लोग मुंह के ज़ोर से एक नलकी के ज़रिए हवा मारते थे गोल करने के लिए। इस तरह की बहुत सारी दूसरी मैनुअल गेम्स की मिसालें यहाँ पे दी गई थी जिन्हें देख के बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे तीन मुख्तलिफ लॉकर्स दिखाए गए हैं और उनके दरमियान 60 साल का वक्फ़ा। इससे मेरी ये मुराद है कि 1890 में जो लॉकर रूम होता था वो कुछ इस तरह से नज़र आता था। अगर उसके 60 साल बाद यानी कि 1950 का लॉकर रूम देखें तो आप देख सकते हैं कि कपड़े भी तब्दील हो गए, जूतों का अंदाज भी तब्दील हो गया। So where will you do here? Yeah, I might do Blackfriars. How far should I go? About there, yeah. Okay, I'm ready. Yeah. म्यूज़ियम के सामने जो पार्क है वहाँ बैठ के मैं खाना खाने लग गया था। मेरे सामने दो स्टूडेंट्स ने आकर डांस की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैंने ज़ाहिर उनसे इजाज़त मांगी रिकॉर्डिंग की, जो कि मिल गई। ये जिस गाने पे डांस कर रही हैं वो गाने का मुझे नहीं पता चला, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यूके की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का दौरा करने जब मैं निकला था तो मैनचेस्टर मेरा आखिरी स्टॉप था। ये दौरा बहुत खुशगवार रहा और सबसे खुशगवार चीज़ जो मैंने देखी वो ये कि स्टूडेंट्स अपने मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी पुरुमीद हैं। यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं और स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। ये जो हमने सीरीज़ शुरू की है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाने की, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अभी हम मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे और इंशाल्लाह आपको और भी बहुत सारी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी।